नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में हमारी एक श्रृंखला है, कविता जब बोलती है। इसी कड़ी में आज मैं अशोक सक्सेना आपके सम्मुख अपनी कुछ रचनाओं के साथ हूं। आशा है हमेशा की तरह आपके सुझाव, आपका प्यार स्नेह जैसा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। रचना के संबंध में ज्यादा बात नहीं करके मैं सीधी बात पर आता हूं कि हमारे जीवन में दादी एक बड़ा ऐसा फिगर है, एक बड़ा बिंब है तो भुलाए नहीं भूलता है। तो मैंने दादी के को लेकर कुछ बात कही और उसमें जो बिंब हैं, एक बिंब है चाबी का गुच्छा, वो किस तरह से डायमेंशनल प्रतीकात्मक असर दिखाता है, इसकी कोशिश की गई है। तो मेरी रचना आपके सामने है कि बहुत याद आती है दादी, सबकी हथेली पर स्वाद परोसती संतुलित भाव से। बहुत याद आती है दादी, सबकी हथेली पर स्वाद परोसती संतुलित भाव से। मैं तो बस उसकी गोद में ही धसा रहता था, दादी की गोद एक राजसी सिंहासन था, और मैं उसका शिशु राजकुमार, उसका स्नेह रक्षित आंचल जिससे कभी बाहर निकलना नहीं चाहता, दादी के पल्ले से बंधी रहती थी घर की चाबियों का एक गुच्छा, वो गुच्छा क्या था? बस एक अनुशासित अर्थव्यवस्था का केंद्र था, मुझसे कहती तू बड़ा हो जा, तेरी बहू को सौंप दूंगी ये गुच्छा, फिर एक दिन दादी अपने आंचल में मुझे लपेटे, जो सोई सुबह नहीं उठी। फिर एक दिन दादी अपने आंचल में लपेटे जो मुझे सोई तो फिर सुबह नहीं उठी चाबी का गुच्छा अब माँ की कमर से टंगा था, एक आकर्षक आभूषण की तरह। फिर धीरे धीरे न जाने क्या क्या बदल गया, पर नहीं भूल सका हथेली पर रखा दादी का वो संतुलित स्वाद, ये मेरी छोटी सी रचना थी। इसी तरह एक रचना और है, आपके सामने पेश करता हूं कि आंकड़े बताते हैं
कि लोग अब प्यार में कम मरते हैं। आंकड़े बताते हैं कि लोग अब प्यार में कम मरते हैं और भूल गए हैं विरोध में अपनी आवाज बुलंद करना, और भूल गए हैं विरोध में अपनी आवाज बुलंद करना, मुट्ठियां कसना, खुले में सड़कों पर आ जाना, और भूल गए हैं विरोध में अपनी आवाज बुलंद करना, मुट्ठियां कसना, खुले में सड़कों पर आ जाना। हालात चिंताजनक हैं, हालात चिंताजनक हैं, संकट है चेतना की जमीन के ऊसर हो जाने का, संकट है चेतना की जमीन का ऊसर हो जाने का। ये जो अंजूरी भर जल बचा है, ये जो अंजूरी भर जल बचा है उसे तो तरंगित हो जाने दो, ये जो अंजूरी भर जल बचा है उसे तो तरंगित हो जाने दो। याद करो, याद करो, कभी किसी छुअन ने कई कई बार भरमाया होगा तुम्हें, याद करो किसी छुअन ने कई कई बार भरमाया होगा तुम्हें। अब चेतन में ही सही, अब चेतन में ही सही, किसी की आहट चौंका जाती होगी तुम्हें आज, किसी की आहट चौंका जाती होगी आज भी। प्रेम को अंकुरित होने दो, प्रेम को अंकुरित होने दो, आतुरताओं को जन्म लेने दो, प्रेम को अंकुरित होने दो, आतुरताओं को जन्म लेने दो। ये मेरी दूसरी रचना थी आपके साथ। इसी तरह की एक कविता और आपके सामने रख रहा हूं। देखिए अलग तरह का मिजाज है इस कविता का। क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने भी देखा हो आंखों में उतरता सुरमई उजाला, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने भी देखा हो आंखों में उतरता सुरमई उजाला। तुम भी कभी डूबे हो किसी रंगीन शाम में, तुम भी कभी डूबे हो किसी रंगीन शाम में, किसी से मिलने की जागी हो उत्कंठ इच्छा, किसी से मिलने की जागी हो उत्कंठ इच्छा। गोधली बेला में क्या तुम पर भी मेहरबान हुआ हो दिन का कोई पहर, किसी से मिलने की जागी हो उत्कंठ इच्छा गोधली बेला में, और तुम पर भी कभी मेहरबान हुआ हो दिन का कोई पहर, रात्रि के तीसरे पहर में, रात्रि के तीसरे पहर में खिड़की में उतरा हो चांद, रात्रि में तीसरे पहर में खिड़की में उतरा हो चांद, और निशब्द हुआ हो संवाद, और निशब्द हुआ हो संवाद। तो फिर कभी नहीं भरमाए गए होगे, तो फिर कभी नहीं भरमाए गए होगे किसी कनुप्रिया के कर्ण से झूलते झूमर अमलताज के देख, तो फिर कभी नहीं भरमाए गए होगे किसी कनुप्रिया के कर्ण से झूलते झूमर अमलताज के। फिर तो नहीं बिताई होगी कोई दोपहर, फिर तो नहीं बिताई होगी कोई दोपहर पलाश वन में, नहीं ना तो फिर स्वीकार कर लो, नहीं तो फिर स्वीकार कर लो सच कि तुम अब तक नहीं समझ सके हो सलीका जीवन जीने का, कि तुम अब तक नहीं समझ सके हो सलीका जीवन जीने का, दान के प्रतिदान का, तुम अब तक नहीं समझ सके हो सलीका जीवन जीने का और दान के प्रतिदान। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा कुछ।
एक रचना आपके सामने है, छोटी है कि उल्लासित मन, उल्लासित मन और प्रफुल्ल चेहरा लिए वो जो घूमता था पूरे शहर को दिखाता आईना। उल्लासित मन और प्रफुल्ल चेहरा लिए वो जो घूमता था पूरे शहर को दिखाता आईना। एक अरसा हुआ दिखा नहीं। सुना है आईना अब अर्थहीन हो गया है, सुना है आईना अब अर्थहीन हो गया है, जब से दिखाई देने लगे हैं चेहरे पर चेहरे, जब से दिखाई देने लगे हैं चेहरे पर चेहरे। सरोकारों के रूप क्या बदले, सरोकारों के रूप क्या बदले, किसी अंधेरी गुफा में बैठ अपनी मृत्यु से पूर्व लिख गया वह अर्थहीनता का श्वेत पत्र। कि सरोकारों के रूप क्या बदले, किसी अंधेरी गुफा में बैठ अपनी मृत्यु से पूर्व लिख गया वह अर्थहीनता का श्वेत पत्र। ये श्वेत पत्र एक नीला सा पृष्ठ और लाल स्याही से लिखी इबारत, ये श्वेत पत्र एक नीला सा पृष्ठ और लाल स्याही से लिखी इबारत है। लिखा है आंखें खोलो, लिखा है आंखें खोलो, तय करो अपने होने का लक्ष्य और दिशा, तय करो अपने होने का लक्ष्य और दिशा। निजता का व्याकरण छोड़ समूह के लिए गढ़ो कोरस, निजता का व्याकरण छोड़ समूह के लिए गढ़ो कोरस। बंद करो खुद से आंख चुराना, बंद करो खुद से आंख चुराना, बस पिघलने दो अपनी आंखों में सूरज, बस पिघलने दो अपनी आंखों में सूरज। आज के लिए अंतिम कविता है मेरी आपके पास सामने जो आ रही है, ये कविता पूरी व्यंजना से ओतप्रोत है, इसका जो मॉड्यूल है वो भी थोड़ा अलग है। कि मुझे नहीं मालूम मैं स्वयं ही उतरा हूं या मुझे उतार दिया गया है, मुझे नहीं मालूम मैं स्वयं ही उतरा हूं या मुझे उतार दिया गया है इस सूखे कुएं में, मुझे नहीं मालूम मैं स्वयं ही उतरा हूं या मुझे उतार दिया गया है इस सूखे कुएं में। यहाँ बेचैनी इसलिए है कि जहन में अक्षर तो बिखरे हैं, कि जहन में अक्षर तो बिखरे हैं पर शब्द नहीं बना पा रहा, जहन में अक्षर तो बिखरे हैं पर शब्द नहीं बना पा रहा, और शब्द नहीं तो नाद नहीं, और शब्द नहीं तो नाद नहीं, भाषा नहीं अभिव्यक्ति नहीं। जब शब्द नहीं तो नाद नहीं, भाषा नहीं अभिव्यक्ति नहीं, तो प्रतिक्रियाएं भी नहीं, तो प्रतिक्रियाएं भी नहीं। अंदर बाहर सन्नाटा है, अंदर बाहर सिर्फ सन्नाटा है, पर इस सूखे कुएं में भोर से पहले का झुरमुटी सा उजाला भी है, पर इस सूखे कुएं में भोर से पहले का झुरमुटी सा उजाला भी है। कहां से आ रहा है, पर है, मैं कुछ देख पा रहा हूं, मैं कुछ देख पा रहा हूं, इस सूखे कुएं की दीवारों पर कुछ झाड़ियां सी उगी हैं, मैं कुछ देख पा रहा हूं, इस सूखे कुएं की दीवारों पर कुछ झाड़ियां सी उगी हैं, हरी हरी सी हैं, कुछ आवाजें आने लगी हैं, चहचहाटें भरी गुटरगूं जैसी,
पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें भी हैं, पंखों के फड़फड़ाने की आवाजें भी हैं। हाँ अब रोशनी बढ़ रही है, हाँ अब रोशनी बढ़ रही है। कुएं के तल में पड़े हैं कुछ कागज, कुएं के तल में पड़े हैं कुछ कागज जिन पर कुछ लिखा भी है। कुएं के तल में पड़े हैं कुछ कागज जिन पर कुछ लिखा भी है। मैं प्रयास करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ उन्हें पढ़ने और समझने, मैं प्रयास करता हूँ उन्हें पढ़ने और समझने का। कुछ प्रेम पत्र जैसा ही है, कुछ प्रेम पत्र जैसा ही है जिसमें उलझी है कविता की पंक्तियां, जिसमें उलझी है कविता की पंक्तियां। सर उठाकर ऊपर देखता हूँ, सर उठाकर ऊपर देखता हूँ, ये नीला सा आसमान ही है। सर उठाकर ऊपर देखता हूँ, ये नीला आसमान ही है। मैं कुएं की दीवारों में जड़े आड़े तिरछे नुकीले पत्थरों के सहारे, मैं कुएं की दीवारों में जड़े आड़े तिरछे नुकीले पत्थरों के सहारे फिर से आ बैठा हूँ कुएं की मेड़ पर, फिर से आ बैठा हूँ कुएं की मेड़। साथियों, मेरे विद्वान श्रोताओं, रचनाएं कैसी लगी? आशा है आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर मिलेगी, इससे इस कार्यक्रम को भी बल मिलेगा और अशोक सक्सेना को भी बड़ा मनोबल मिलेगा। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम से मैं आज विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।